हाई एवरी वन हेलो आई एम बैक अगेन विथ न्यू सेशन फॉर यू ऑल हाउ आर यू ऑल सब आ चुके हैं ग्रेट टू नो दिस एज यूजल मेरे से पहले आप सबकी एंट्री हो जाती है और मैं टेक्निकल चीज़ों में ही फंस जाती नो दिस ओके ओके मेरी आवाज़ और ऑडियो सब सही है ओके okay, सो so देखते हैं कौन कौन आया है सुमित एज यूजल आप में रिकॉर्ड बना चुके हो हर क्लास में सबसे पहले एंट्री आपकी होती है निकिता हेलो, करीना श्वेता प्रणाली सिद्धार्थ कुणाल वैष्णवी आई नो श्याम इज वैष्णवी सभा सुजल शुभम जुबैर हेलो एवरी वन जहां सो देखो आप लोगों को पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी क्या है कि आपका 25 फाइव परसेंट सिलेबस रिड्यूस हुआ है ये चीज़ सबको पता है लेकिन फिर भी आप लोगों को आप में से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग अभी भी बहुत सारी चीज़ कंफ्यूज हो रही है 25% परसेंट सिलेबस में से ठीक है तो अभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है आप लोग को ट्वेंटी सिलेबस रिड्यूस हुआ है ये खबर तो सबको पता है इसमें से कुछ भी आपको डाउट है तो मुझे आप अब भी पूछोगे मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी क्योंकि हमको क्या करना है जो 25 परसेंट हमारा ओमिट हुआ है उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ पढ़नी है राइट तो आपको कुछ भी डाउट हो रहा है आज के सेशन में हम ये क्लियर करेंगे क्योंकि एक बार हमारा माइंड फ्री हो जाएगा कि हाँ इतनी चीज़ हमको नहीं पढ़नी है राइट तो बाकी सब चीज पे हम फोकस कर पाएंगे ना पूरे साल भर हमको डाउट रहेगा कि ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ये ओमिटेड में है या नहीं है फिर तो क्या फिर तो गए ओके सो so, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कोई भी डाउट है तो पूछना मैं फिर से आपको एक बार बता दूंगी क्योंकि मैंने आपको सिर्फ व्हाट्सअप में ऐसा डाल दी थी ना पीडीएफ डाल दी थी कि देखो ये क्या है बोर्ड ने रिलीज किया है बोर्ड ने ये पीडीएफ रि, रिलीज़ किया है आपके जो भी सब्जेक्ट है देख लो एक बार ठीक है उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे लोग डाउट पूछ रहे हैं ठीक है थीके? सुमित को कोई डाउट नहीं है बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैंने आप फिलोसॉफिक का फिलोसॉफी सब्जेक्ट का आपको एक डाउट था वो मैंने आपको पर्सनली क्लियर कर दी लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग को कुछ डाउट होगा तो वो हम क्लियर करेंगे ठीक है सो स्टार्ट करने से पहले एज यूजल मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को अब तक अच्छे से पता चल जाना चल चुका होगा कि मेरा नाम क्या है मेरा नाम है शफक नाज और मैं कौन हूँ मैं आप लोगों की इंग्लिश एजुकेटर हूँ इस प्लेटफॉर्म में अनअकेडेमी के प्लेटफॉर्म में मैं महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स को जो कि इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में है वो लोग को मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ ठीक है <laughs> फ्रजवेल को रट गया है ओके सो बहुत अच्छी बात है फाइनली आप लोग को अच्छे से जान चुके हो ग्रेट टू नो दिस सो मैं क्या बता रही हूँ आज का जो हमारा सेशन है वो इसी पे बेस्ड है ठीक है 25 परसेंट सिलेबस रिड्यूस है कुछ भी डाउट है मुझे पूछो आपको एक बार ये काम करके ख़त्म कर देना चाहिए सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं आप साइंस स्ट्रीम के हो आप सोच रहे हो कि बीच में मैं आ गई क्योंकि बहुत खुशी की बात है ना इसलिए बीच में है हम सो so, कोई भी सब्जेक्ट हो सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हो साइंस स्ट्रीम के हो ठीक है आपका जो भी सब्जेक्ट है बायोलॉजी है ओके okay? केमिस्ट्री है फिजिक्स है इंग्लिश है हिंदी मराठी जो भी है सबसे पहला काम आप करो कि आपके ये सारे सब्जेक्ट में से कौन कौन सा पोर्शन हटा दिया गया है उसको कट करो सीरियसली बैठ के उसको कट करो सबसे पहला काम आपका ये है वरना क्या होगा पता है बहुत सारे स्टूडेंट पिछले साल क्या कर रहे थे लोग ऐसे हल्के में ले लिए थे कि हाँ अच्छा ये सारे चैप्टर ओमिटेड है ठीक है हमको तो नहीं पढ़ना है लेकिन ऐसा नहीं है इंग्लिश में क्या किया गया है आपके सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में ऐसा किया गया है कि आपकी ये पोएम पूरी ओमिट आपका ये चैप्टर पूरा ओमिट लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में डायरेक्ट पूरा चैप्टर ओमिट नहीं है आपका बीच बीच में से कुछ कुछ टॉपिक्स हटाई गई है ठीक है जैसे बायोलॉजी हो गया केमिस्ट्री हो गया इकोनॉमिक्स आपका कोई सब्जेक्ट होगा जो भी आप स्ट्रीम के हो ठीक है तो बाकी जो आपके सब्जेक्ट है उसमें से पूरा का पूरा अखा पूरा होल चैप्टर नहीं हटाया गया है कुछ कुछ टॉपिक्स हटाई गई है ठीक है कोई चैप्टर है उसके अंदर छः सात टॉपिक है तो चैप्टर पूरा आएगा उसमें से वो छः टॉपिक में से कोई दो टॉपिक हटाई गई है राइट इंग्लिश में कैसा हुआ है पोयम नंबर कौन सी पोयम नंबर सेवन एंड पोयम नंबर एट पूरा ब्लैंक कर दिए बाकी स्टार्टिंग की पांच पोयम आएगी है ना इंग्लिश में ऐसा ही है बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है ठीक है so, सो आप क्या करोगे मैं तो आपको इंग्लिश का बताऊंगी और आपको इंग्लिश रिलेटेड जो भी डाउट है मुझे पूछना ठीक है कुछ भी दूसरे भी डाउट है तो हम व्हाट्सएप में कनेक्टेड है राइट तो दूसरे कोई सब्जेक्ट है तो हम पर्सनली क्लियर कर देंगे ओके इंग्लिश के लिए आज ये स्पेशल सेशन है ओके सो so, बात समझ में आ गई सबसे पहला स्टेप आपका यह होना चाहिए यह काम आपका हो गया ना आपने सब सब्जेक्ट में से क्या कर दिए कटम कुटी का, का काम कर खत्म कर दिए उसके बाद आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो ओके क्योंकि बोर्ड ने बताया है ना बोर्ड ने रिलीज कर दिया है ओके मैं पहले डाउट लेती हूं यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं सिद्धार्थ अच्छा सिद्धार्थ मोटिवेशनल कोट लिख रहा है लर्निंग यूज क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग थिंकिंग प्रोवाइड नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू परफेक्ट येस एब्सलूटली सिद्धार्थ यू आर राइट हेलो प्रज्वल ऋषिराज अच्छा आपने अपना नाम चेंज कर दिया ऋषु से ऋषिराज कर दिए राइटिंग स्किल में प्रेशर देना होगा एक्जैक्टली exactly, मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी चीज़ें रुक जाओ प्लीज़ कोई बताओ बायोलॉजी टाइमिंग अच्छा uh, बायोलॉजी का टाइमिंग अन एकेडमी में बायोलॉजी सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है सो so, पता लगा लो आप टाइमिंग क्या है मैम जो जो आने वाला है उसका पी भेज दो टेलीग्राम पर जो जो आने वाला है आने वाला तो बहुत कुछ है जो नहीं आने वाला है वो पच्चीस परसेंट है ठीक है तो जो नहीं आएगा वो हम बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना उसको कट कर दो बाकी सारी चीज़ पढ़ दो भी जो आएगा यानी हमको क्या बताना पड़ेगा सेवेंटी फाइव परसेंट चीज़ आपको बतानी पड़ेगी उसके लिए फिर तीन चार घंटे लग जाएंगे जो चीज़ नहीं है उसको कट करो ठीक है मैम पीडीएफ में साइकोलॉजी का सिलेबस है पर इंग्लिश में नहीं है मराठी में है तो कुछ समझ नहीं रहा है ओके okay, श्वेता आप ग्रुप में हो न व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे डीएम करो मैं आपका ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पर्सनली सॉल्व करती हूँ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट लोग का पर्सनली सॉल्व करी हूँ बहुत सारे इकोनॉमिक्स का नहीं समझ रहा है साइकोलॉजी फ़िलोसॉफी बहुत सारे लोगों का तो वो चीज़ तो पर्सनली कर सकती हूँ इंग्लिश से रिलेटेड कुछ है तो अभी पूछो ठीक है क्योंकि धमनेल में आपने क्या पढ़े हो इंग्लिश का बताने वाली हूँ ना ठीक है कोई बच्चा आके देखेगा कि इंग्लिश का टीचर बता रहे हो यहाँ पे अंदर देखेगा तो साइकोलॉजी मराठी चल रहा है सब फिर तो गई <laughs> मैं फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी के लेक्चर क्यों नहीं हो रहे यूट्यूब पर आपको पता है क्या फिजिक्स मैथ्स हो तो रहे हैं प्रणाली फिजिक्स के हो रहे हैं मैथ्स के हो रहे हैं बायोलॉजी के भी हो रहे हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के हो रहे हैं प्लीज़ आप चेक करो हेलो <laughs> विक्रम थैंक यू मैम कब आएगा नोटिफिकेशन महाराष्ट्र बोर्ड का की एम सी क्यू बहुत जल्दी आएगा क्योंकि अभी दूसरी सब चीज़ें चल रही है ना टेंथ का सबसे इंपॉर्टेंट सीई टी एग्जाम का भी सब चल रहा है सीई टी एग्जाम जो ट्वेंटी फर्स्ट ऑगस्ट को होने वाला है देखो कितनी बड़ी बात हुई है इधर पे कि टेंथ स्टैंडर्ड का एग्जाम कैंसिल कर दिए पर बोले कि अगर तुम लोग को इलेवेंथ में एडमिशन चाहिए तो तुम्हारा टेंथ का जो रिजल्ट निकला है उसके बेसिस पे नहीं होगा तुमको ये एग्जाम देना पड़ेगा वो लोग का एक एग्जाम हो रहा है ठीक है कौन सा एग्जाम हो रहा है सीईटी जो ट्वेंटी फर्स्ट ऑगस्ट को होने वाला है ऑफलाइन जाके सब देने वाले हैं सब बच्चे तो वो लोग का तो मतलब नाम का कैंसिल हुआ ना लोगों को तो सीई टी एग्जाम देना है उस पर लोग का जो मार्क्स आएगा उसके बेसिस लोग का स्टैंडर्ड में एडमिशन होगा राइट सो so, हमारा भी कुछ ना कुछ तो ऐसे ही होगा हमको डिग्री कॉलेज में हमको जाना है ना तो हमारा एग्जाम कैंसिल भी हो जाएगा तो कुछ दूसरा एंट्रेंस एग्जाम लेके आ जाएगा और ये सीई का लोग का जो एग्जाम होने वाला है वो पूरा का पूरा टेंथ का सिलेबस ही है हाँ केमिस्ट्री अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बहुत जल्द होने वाला है अभी ये चैनल को लॉन्च हुए अभी सिर्फ थ्री टू फोर वीक्स ही हुए हैं सोचो so, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए अनएकेडमी आया है उसको सिर्फ थ्री टू फोर वीक्स हुए हैं और इतने सारे लेक्चर्स ऑलरेडी इतने सारे टीचर्स एजुकेटर्स आ चुके हैं सो so, बहुत सारे टीचर्स की एंट्री होना बाकी है डोंट वरी अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ है ये चैनल को ओपन हुए मैम क्या टर्म वन और टर्म टू होगा इस साल अभी तक महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है हम्म हम्म हेलो 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 ओके ठीक है हाय हार्दिक हेलो श्रवणी हेलो हाय हाय मैम केमिस्ट्री के लिए कौन से टीचर है लॉन्च होने वाले है उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा सरप्राइज होता है ना ये सब सबकी कौन से टीचर कौन से सब्जेक्ट के कौन से टीचर है ओके मैंने बहुत सारे डाउट ले लिए अभी फिलहाल हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तो आज के सेशन में मैं इलेवन्थ स्टैंडर्ड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड दोनों का इंग्लिश सब्जेक्ट बताऊंगी ठीक है तो कोई यहाँ पे इलेवन स्टैंडर्ड का बच्चा है तो प्लीज पहले आप लोग सुनो और ट्वेल्थ वाले थोड़ा सा पांच मिनट वेट कर लो मैं ये छोटे बच्चे लोग को बता देती हूँ पहले इलेवन स्टैंडर्ड का क्या इंग्लिश सिलेबस में से हट गया है ठीक है फिर मैं पांच मिनट बाद आप लोगों का बताने वाली हूँ देखो नेक्स्ट स्लाइड आपके ऊपर है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का है तो थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज ठीक तो है तो इलेवेन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट है ठीक है आप लोगों की जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है ये वाली जस्ट अ सेकेंड ये आप लोगों की इंग्लिश टेक्स्ट बुक है इलेवेंथ स्टैंडर्ड के बच्चे तो आप ये साल एग्जाम देने वाले हो तो आप लोगों की क्या हुआ है एक चैप्टर और एक पोयम सिर्फ हटाई गई है बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हटाया गया है कौन सा है वो एक चैप्टर ये है क्लास इलेवेंथ स्टैंडर्ड के बारे में जब तक क्लास ट्वेल्थ वाले तो आप लोग आपस में मीटिंग कर सकते हो आप लोग आपस में गप्पा मार सकते हो या अपने डाउट पूछ लो जब तक मैं लोग को बता देती हूँ पांच मिनट में फटाफट फिर आप लोगों को मैं आती हूँ क्लास ट्वेल्थ वाले तो क्लास इलेवेंथ वाले बच्चे आप लोगों का सिर्फ चैप्टर नंबर वन ठीक है चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है बींग नेबरली ठीक है चैप्टर नंबर वन ही हटा दिया गया है ठीक है तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा यानी ये चैप्टर आपको आएगा ही नहीं एग्जाम में ये चैप्टर को भूल जाओ ठीक है बाकी सारे चैप्टर आएगा टोटल छह चैप्टर है ना तो चैप्टर नंबर टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स बाकी सब आएगा डन बस इतना ही है नेक्स्ट पोयम आपकी एक पोयम हटाई गई है कौन सी पोयम पोयम लास्ट वाली हटाई गई चैप्टर सबसे पहले वाला हटाया गया है और पोयम जो है वो सबसे लास्ट वाली हटाई गई है कौन सी है द प्लानर्स ठीक है द प्लानर्स ये वाली पोयम आपको नहीं पढ़नी है इस पोयम से रिलेटेड आपको कोई भी फिगर ऑफ नहीं पूछा जाएगा कोई भी राइमिंग स्कीम कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा ये पोयम को कट कर दो इस पोयम का जो भी पेज है उसको चिपका दो ताकि आपके एंड तक एग्जाम में ये पोएम आपको नजर ना आए ठीक है अब रीज़न क्या है ये वाला ही चैप्टर छः में से यही चैप्टर को क्यों हटाया गया और छः में से यही पोएम क्यों हटाई गई देखो कितनी अच्छी बात है सबसे हार्ड वाली पोयम क्योंकि बाकी सारे चैप्टर और बाकी सारी पोएम में से सबसे हार्ड चैप्टर ये वाला था फर्स्ट वाला और सबसे हार्ड पोएम थी सिक्स वाली तो वो हटा दी गई डिफिकल्टी लेवल कम ठीक है और टाइम कंज्यूमिंग भी था तो देखो कितनी अच्छी बात है अगर ईजी हटाते तो हमको इतना खुशी नहीं मिलती सबसे हार्ड वाला चैप्टर वो हार्ड वाली पोइम हटा दिए अब दूसरी बात आप सोच रहे होंगे कि हमको नॉवल सेक्शन है हमको ग्रामर भी पढ़ना होता है हमको राइटिंग स्किल भी है क्या उसमें से कुछ रिड्यूस हुआ है तो उसमें से इतना सा भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है आपको एग्ज़ाम में ठीक है जितनी भी राइटिंग स्किल आती थी पहले या इस पैटर्न पेपर में जो भी राइटिंग स्किल है ए टू जेड आने वाली है सारे के सारे ग्रामर टॉपिक्स आपको आने वाले हैं और जो आपकी चार नॉवेल्स है सारी के सारी नॉवेल्स आएगी ठीक है तो सिर्फ दो चीज़ हटाई गई है आपका पहला चैप्टर और आपकी लास्ट पोयम बस इतना ही है आपको इलेवेंथ स्टैंडर्ड समझ गए ये था आपका इंग्लिश के रिड्यूस सिलेबस के बारे में अभी डाउट मत करना कि हमको ग्रामर भी रिड्यूस हुआ है या एक्टिव पैसिव रिड्यूस हुआ है नहीं ग्रामर हटाया ही नहीं गया ग्रामर आपको 100% परसेंट पढ़ना है राइटिंग स्किल 100% परसेंट पढ़ना है नॉवेल सेक्शन 100% परसेंट पढ़ना है ठीक है समझ गए देन चलो अब आते हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के ऊपर क्लास ट्वेल्थ कुछ आया है कुछ सवाल किसी का एक मिनट हाँ अच्छा ओके okay, सॉरी हार्दिका मैम हिंदी के लिए कौन है यहाँ पे आपको ये चीज़ खुद ही ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि ये सब चीज़ आप लोगों के लिए लॉन्च की जा रही है इतने सारे टीचर्स इतने सारे एजुकेटर्स आपके लिए इतना सारा कंटेंट ला रहे हैं आपको थरोली पढ़ा रहे हैं लाइव आके आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं तो इतनी सी चीज़ तो आप कर ही सकते हो कि आपके हिंदी टीचर कौन है आपके केमिस्ट्री टीचर कौन है पता लगाओ जाओ सब चीज़ मैं बता दूंगी तो फिर मज़ा खराब हो जाएगा ना लॉन्च होते हैं टीचर्स लोग ठीक है तो क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चे लोग ठीक है आप लोगों के लिए एक एक नहीं आपके लिए दो चैप्टर और दो पोयम हटा दी गई है ठीक है पता था इतनी सी इतनी ये चीज तो देखो आपका क्या हुआ है क्लास ट्वेल्थ के बच्चे जो आप एच में हो ठीक है आप ये साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हो आपके साथ पंद्रह लाख बच्चे ये एग्जाम देने वाले है सिर्फ आप ये इंग्लिश सब्जेक्ट में नहीं बैठोगे जब भी ये बोर्ड एग्जाम होगा तो आपके साथ पंद्रह लाख बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट दे रहे होंगे। पंद्रह लाख कैसे क्योंकि ये इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है आप साइंस के हो कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो कोई भी स्ट्रीम के आप हो या डिप्लोमा के हो या कोई भी हो आपको ये इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होता है सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको एग्जाम लिया जाता है बोर्ड का वो इंग्लिश ही होता है भाई तो इसकी थरो जितनी थरो इन्फॉर्मेशन जितनी थरो प्रिपरेशन आप कर सकते हो कर लेना और इंग्लिश ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक बार आ गया ये सब्जेक्ट एक बार आपको आ गया तो आपके बाकी के सारे सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मजेदार बन जाते हैं क्योंकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ चुका है ठीक है फिजिक्स का कोई आपको अच्छे से समझा है लेकिन आप उसको इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो तो गया ठीक है इंग्लिश आपको पता है ना आपको एग्जाम इंग्लिश में लिख के ही मार्क्स मिलेंगे इतनी बात पता है तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट जितना इसको अच्छा कर सकते हो उतना करो ओके सो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट आप लोगों को टोटल कितने चैप्टर्स थे टोटल आपके आठ चैप्टर थे राइट तो उसमें से दो चैप्टर कट हो चुके हैं कौन से दो चैप्टर सबसे हार्ड चैप्टर था ये भाई मैंने पढ़ी हूं मुझे पता है कितनी डिफिकल्टी थी इस चैप्टर में दस पेज का ये चैप्टर बाप रे बाप क्या नाम था इस चैप्टर का द न्यू ड्रेस बाय वर्जीन या ठीक है बहुत ही लंबा चौड़ा ये चैप्टर था मतलब ये चैप्टर तो तीन चैप्टर के बराबर का था बहुत अच्छा करे बाबा ये वाला चैप्टर हटा के बहुत अच्छा करे चैप्टर नंबर फाइव आपका हट चुका है इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में कोई भी पैराग्राफ नहीं आएगा कोई भी इस पैराग्राफ से, से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड ठीक है दूसरा कौन सा चैप्टर हटाया गया है आपका सेवेंथ वाला चैप्टर ठीक है कंफ्यूज मत होना लास्ट वाला चैप्टर नंबर क्या है आपका एट ठीक है टोटल आठ चैप्टर है ना तो ये सेवेंथ वाला हटाया गया है एट वाला पढ़ना है क्या नाम है इस चैप्टर का वाई वी ट्रेवल ये भी बहुत हार्ट था भाई ये आटो में से ये दो चैप्टर सबसे हार्ट थे हटा दिए टेंशन खत्म ठीक है सो चैप्टर नंबर फाइव एंड चैप्टर नंबर सेवन हटा दिया गया है रीजन क्या है इसको ये, ये दो चैप्टर को क्यों निकाले पकड़ के बिकॉज ये दो चैप्टर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे बाकी के कंपेयर में और टाइम कंज्यूमिंग थे यानी बड़े बड़े चैप्टर थे ठीक है तो ये चैप्टर अब से नहीं पढ़ना ये चैप्टर को कट कर दो उसकी ये चैप्टर के ऊपर ओमिट लिख दो अब पोयम पोयम देखते हैं बताऊंगी सब कुछ बताऊंगी आप लोग अपने डाउट डालते जाओ जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट सिलेबस रिड्यूस से डालते जाओ ठीक है आज ही ये सेशन होगा क्योंकि हम अभी कल से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे ठीक है ट्वेंटी फाइव परसेंट से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है जल्दी जल्दी पूछ लो आज ही खत्म करोगी कहानी पोयम सेक्शन पोयम में आपकी टोटल आठ पोयम थी तो सेकेंड लास्ट और लास्ट यानी पोयम नंबर सेवन एंड पोयम नंबर एट को निकाल दिया गया है और आपको इस पोयम से रिलेटेड कुछ भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं आएगा कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं पूछा जाएगा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो इस पोयम से रिलेटेड होगा सीधा गायब छू मंतर ये पोयम है ही नहीं आपके बुक में ऐसा समझो ठीक है क्या नाम है इस पोयम का शी वॉक्स इन ब्यूटी छोटी सी पोयम थी लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट थी ठीक है बहुत हार्ड हार्ड वर्ड थे बहुत ही इनडायरेक्ट था तो अच्छा किया ये पोयम को हटा के और दूसरी पोएम कौन सी है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स ये भी अच्छा किया ये वाली पोएम को हटा के यानी आपको स्टार्टिंग की सिर्फ छः पोएम पढ़नी है जो बहुत ही मजेदार है उसमें से हमने स्टार्टिंग की दो पोएम पढ़ लिए दो पोएम पढ़ लिए कौन सी दो पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड एंड इंडियन वीवर्स इसमें मेंटी क्विज भी हुआ था राइट सो so, हमारा छ पोएम में से दो पोएम तो टोटल आठ पोएम है दो पोएम बोर्ड एग्जामिनेशन ने निकाल दी दो पोएम हमने पढ़ लिए यानी अभी सिर्फ चार पोएम हमको पढ़नी है एक साल है हमारे हाथों में तो सोचो कितना भाई मतलब तुम लोग ने अगर, अगर अपनी इस बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 ठीक है 95 से अपना कम टारगेट रखे तो समझ ला समझ लेना मतलब कितना डिफिकल्टी लेवल कम हो चुका है हम लोग के ज़माने में देखो हम लोग पूरा पेपर लिख के आए जो भी पूरी बुक थी एक परसेंट एक वर्ड भी रिड्यूस नहीं था और बराबर टाइम पे एग्जाम हो गया पूरी बुक हमको पढ़ के जानी थी आप लोगों को सोचो कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं आप लोग तो पूरे महाराष्ट्र का आज तक का जो रिकॉर्ड है हम पता लगाएंगे इंग्लिश में जो है महाराष्ट्र बोर्ड का जो रिकॉर्ड है लगभग 97 मार्क्स है 100 में से ठीक है अगर आपको इंटरनल 20 मिल जाते हैं तो तो आप वो ब्रेक कर सकते हो ठीक है कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे 95 से कम एम रख रहा है तो आप गलत कर रहे हो आपके हाथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है प्लीज रिकॉर्ड ब्रेक करो और एकदम मज़ा आ जाएगा फिर लाइफ में कि हमने इतना बड़ा परसेंटेज फोड़े सोचे और फिर हो गया ठीक है तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई दो चैप्टर हटा दिए गए दो पोएम हटा दी गई अब आप सोच रहे हो राइटिंग स्किल का क्या ग्रामर का क्या नॉवल सेक्शन का क्या तो नॉवल सेक्शन आपकी टोटल चार है ना टोटल चार आपको नॉवल्स पढ़नी है तो उसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है पूरी के पूरे चार नॉवल्स आपको पढ़ने हैं में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है और मैं बता दूं कि टोटल आपके चार सेक्शन होते हैं पहला होता है चैप्टर फिर होता है पोयम फिर होता है राइटिंग स्किल और फिर होता है नॉवल सेक्शन और जो आपका ग्रामर का पार्ट होता है वो चैप्टर के अंदर ही पूछा जाता है राइट तो ये चारों सेक्शन में से सबसे हार्ड सबसे टाइम टेकिंग सबसे डिफिकल्ट सेक्शन जो आपको पड़ेगा मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से बाकी के आपके सीनियर्स के एक्सपीरियंस से पिछले साल के नॉवल सेक्शन सबसे हार्ड पढ़ने वाले है मतलब सर पकड़ लोगे आप लोग क्योंकि नॉवेल सेक्शन में कोई पैराग्राफ नहीं आएगा आपको पूरी नॉवेल सेक्शन को याद करना पड़ेगा जैसे चैप्टर में तो पैराग्राफ तो आ जाएगा ना है ना कोई क्वेश्चन है उसका आंसर हमको नहीं आता है तो पैराग्राफ में से ढूंढ के तो कम से कम लिख सकते हैं नॉवल में कोई पैराग्राफ नहीं है ठीक है तो क्या करना है नॉवल सेक्शन को हमको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा मैं अभी से तुम लोग के दिमाग में डाल रही हूं नॉवल सेक्शन याद रखना हाँ राइटिंग स्किल हो जाएगा वो मैं करा दूंगी आपको मैं जो जो बोलूंगी ना राइटिंग स्किल जैसा करना है ये फॉर्मेट फॉलो करो ये चीज़ याद करो तो आप कर लेना ठीक है लेकिन मतलब राइटिंग स्किल का तो मैं बता दूंगी देखो ये ये है इसको पढ़ लो लेकिन नॉवल सेक्शन तो आपको ये बैठ के याद करना पड़ेगा ना दिमाग में याद तो तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा तो ये याद रखो ठीक है अब आप सोच रहे हो ग्रामर ग्रामर का क्या तो ग्रामर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है ठीक है जो कुछ भी ग्रामर है मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर हूं ना तो इंग्लिश में आपकी ग्रामर में आपकी कितनी मोर देन ग्रामर में आपकी कहाँ गया ये हाँ ग्रामर में आपके ना हमको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं मोर देन ट्वेंटी टॉपिक्स पढ़ने हैं टेंसेस एक्टिव परसिव सुपरलेटिव हो गया फिर ऐसा करके रिथोरिकल क्वेश्चन क्वेश्चन टैग ठीक है ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो बहुत ईजी है मॉडल ऑग्जिलरीज

ये सारी चीज हमारी हटा दी गई कुछ डाउट है क्या टेक्स्ट बुक रीड करके रखो केमिस्ट्री येस, येस, करीना रीड करके रखो टीचर लॉन्च हो गए तो बहुत सारी चीज आएगी फटाफट मैम में राइटिंग स्किल रिड्यूस नहीं हुआ है क्या नहीं 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 बोल दी मैंने ग्रामर राइटिंग स्किल और नॉवल सेक्शन पूरा रट्टा मारना है उसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है सिर्फ दो चैप्टर और दो पोयम हटाई गई है बस बात खत्म अगर एम सी क्यू बेस क्वेश्चन आते हैं तो कैसे प्रिपरेशन करें मैं हूँ मैं हूँ सब हो जाएगा एम सी क्यू अगर समझो फॉर एग्जाम्पल आपको आता है हाँ अभी समझो परसों न्यूज आ गई वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट कर दी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दो टर्म में होगा पहला टर्म एम सी क्यू और दूसरा टर्म थियोरी तो उस वक्त क्या हो सकता है ज़्यादातर चांसेस यही है ना कि आपको आ, पोयम में से तो आपको यह सभी पूछेगा पोयम पोएट के बारे में एक पैराग्राफ दिया होगा वो बोलेगा इसका राइमिंग स्कीम बताओ ठीक है और चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आप क्या पूछ रहे हो इंग्लिश में एम सी क्यू क्वेश्चन कैसे बनेंगे सो so, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और उसके क्वेश्चन बनाए होंगे और उसका चार ऑप्शन दिया होगा और बोलेगा ड्राउड हूं पैराग्राफ में से आंसर बता दो ऐसा आएगा ग्रामर में तो आ ही जाएगा है ना ग्रामर में तो आपको मालूम है ना एक सेंटेंस दिया होगा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होगा बोलेगा बताओ क्या इसका आर्टिकल है ए है एन है या द है तो वैसा हमको डालना होगा प्रीपोजिशन आएगा बताओ क्या है इसका प्रिपोजिशन uh, में क्या होता है ऑन एट फ्रॉम देर ये सब और फिर टेंसेस आ सकता है टेंसेस में आपको ऑप्शन दिए रहेगा एम सी मतलब ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा सिर्फ आपको गोल करके आना है कुछ लिखना विखना तो है नहीं सिर्फ ऐसे ऐसा करते रहना पूरा uh, एक घंटा जो दो घंटा जो भी हमको मिलेगा ठीक है टेंसेसिस आएगा क्वेश्चन कुछ भी होगा बोलेगा बताओ ये टेंस कौन सा है पास्ट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है समझ गए इंग्लिश में आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे डन टेक्स्ट बुक रीड करके रखो रे केमिस्ट्री आई थिंक लॉन्च हो अच्छा पढ़ी हाँ। क्या होता है माय वाओ सही है ठीक है हंड्रेड टारगेट आप रख रहे हो बहुत बड़ी बात है क्यों नहीं हो सकता भाई टारगेट रखने में क्या जा रहा है अगर हम कोई चीज सोचेंगे तो ये तो पूरा होगा ना हंड्रेड सोचे और पता चला आपका सच में हंड्रेड आ गया फिर तो हर जगह प्रज्वल ही प्रज्वल हो जाएगा आपको क्या लगता है आप वैसा महाराष्ट्र बोर्ड में कुछ टॉप करोगे तो आपको ऐसी कोने में छोड़ देंगे क्या आप सेलिब्रिटी बन जाते हो न्यूज़पेपर में आपकी फोटो आती है आपका इंटरव्यू लिया जाता है और एक बात याद रखना आप लोग अगर टॉप करें तो मैं आप लोगों का इंटरव्यू लेके पोस्ट करने वाली हूँ चैनल पे ठीक है और आप क्या हो गए आपके जूनियर्स जो हो गए ना आप वो लोग के लिए इंस्परेशन बनोगे क्योंकि जो हमारे जूनियर्स होते हैं वो लोग सब इंटरव्यू देखते हैं ना कि हम हम अभी ट्वेल्थ में जाने वाले हैं तो ये बच्चे ने ऑलरेडी ट्वेल्थ में टॉप करके कर रखा है चलो ये कैसे पढ़ता था ये कौन सी बुक रिफ़र किया ये नोट्स कैसे बनाता था तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ अगर आप एग्ज़ाम में नाइन्टी लाओगे तो ठीक है मैं सबका इंटरव्यू लूँगी जो लोग का भी नाइन्टी आएगा और उसको हम पोस्ट करेंगे और आप एक इंपिरेशन बनोगे आपके जूनियर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी ये समझे टारगेट बड़े रखो सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है आई थिंक होगी थोड़ा ब्रेक लिए हो गए उनने अभी तक जितनी क्लासेस हुई है वो एक बार आप देखो टेंथ में मेरी फोटो आई थी मैंने टॉप किया था मेरे स्कूल में सीबीएसई बोर्ड में ओ वाओ किधर फोटो आई थी आपकी मैम आई वॉट नाइन्टी सेवन परसेंटेज ग्रेट बहुत अच्छी बात है मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी सब टॉपर हो आप लोग तो आप लोगों के लिए तो फिर तो छोटी सी बात है ना नाइन्टी फाइव तो कुछ नहीं है आपके लिए आप तो हंड्रेड लाओ राइट right? सो so, कुछ डाउट है क्लियर हो गया ना मुझे कोई भी पूछा डी करके कि मैम ग्रामर में ये पढ़ना है राइटिंग स्किल में वो पढ़ना है क्या तो देखो क्लियर कर दी कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लो बाकी सब सब्जेक्ट अभी मैंने इंग्लिश का ये हम इस वीडियो में इंग्लिश की बात कर रहे हैं आप समझो साइंस स्ट्रीम के हो और आपको केमिस्ट्री में कुछ डाउट है तो मुझे आप वो मैसेज करके पूछना ठीक है अभी तक मैंने कम से कम 20 25 बच्चे लोग का पर्सनली मैंने लोग का दूसरे सब्जेक्ट का क्लियर करी हूँ डाउट ऑल सब्जेक्ट का मैं कैसे बता सकती हूँ रवि इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल है मतलब अगर मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट का बताती हूँ यहाँ पे तो बाकी सब दूसरे दूसरे जो बच्चे हैं वो लोग को तो समझेगा ही नहीं ना बायोलॉजी का बताऊंगी तो कॉमर्स आर्ट्स वाले क्या करेंगे देख के इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश आप सबको है आप साइंस के हो कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट का पहले काम खत्म करो आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो हमारे रवि प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालती रहती हूँ और ये जो हमारा लाइव सेशन होता है उसकी लिंक मैं डालती रहती हूँ कब ज्वाइन होना है कोई कंपटीशन के बारे में आता रहता है कुछ भी अपडेट आता है ना आपके बोर्ड एग्जाम का तो जल्दी से वो ग्रुप में आ जाता है ठीक है हमको अपडेटेड रहना चाहिए आज के ज़माने में देखो अभी रवि आप प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ ग्रुप में हेलो सुमन विच पब्लिकेशन इज बेस्ट टारगेट और नवनीत डाइजेस्ट ओके सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सदियों से हर साल के बच्चे लोग का क्वेश्चन होता है हर साल के बच्चे और हर साल मैं इस में इसका आंसर देती हूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट में टारगेट पब्लिकेशन अच्छा है पढ़ने के लिए कि डाइजेस्ट अच्छा है और एक रिलायबल भी होता है राइट right? रिलायबल भी पूछते हैं लोग तो सबसे बेस्ट सोर्स तो हमारा क्या है टेक्स्ट बुक ठीक है सबसे प्राइम सोर्स ठीक है उसके बाद सप्लीमेंट्स क्या कर सकते हो आप टेक्स बुक प्लस अभी मैं थोड़ा बता देती हूँ कि टारगेट और नवनीत में थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ जो नवनीत है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी आंसर है वो टू द पॉइंट होते हैं यानी एकदम छोटे होते हैं पर क्या बोलते हैं मतलब उसमें क्वालिटी है नवनीत के जो भी आंसर्स होते हैं जहाँ तक तो मेरे पास नवनीत के टारगेट के रिलायबल के सारी नोट्स है सारी डाइजेस्ट है तो मैं ये कन्फ्यूजन दे सकती हूँ कि नवनीत में जो भी आंसर्स होते हैं ना वो छोटे होते हैं बट उसमें क्वालिटी बहुत होती है टारगेट में आप कोई भी आंसर पढ़ोगे तो लेंदी बहुत होते हैं फिर इंग्लिश की नहीं आप कोई दूसरे सब्जेक्ट के भी उठा के देख लो नवनीत को कंपेयर करना और टारगेट को कंपेयर करना टारगेट के जो भी आंसर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर डाइजेस्ट खरीद रहे हो ठीक है कोई कोई बच्चे होते हैं कि लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डायरे रीड करते हैं तो टारगेट वुड बी बेस्ट फॉर यू टारगेट लेकिन आप लोग बस एक ऐसा होता है ना कि एग्जाम से पहले हमको इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये जानना है बस ठीक है कॉन्सेप्ट समझ चुका है लेकिन सिर्फ इसका आंसर जानना है तो नवनीत आपके लिए बेस्ट रहेगी देखो बेस्ट तो सभी है है ना टारगेट का इतना नाम है नवनीत का इतना नाम है, है रिलायबल का नाम है सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है डिपेंड आप पे करता है आप क्या करो स्टोर में जाओ ठीक है दुकान में जाओ बोलो टारगेट की बुक दिखाओ नवनीत की बताओ और रिलायबल की बताओ तीनों बुक को आप नोटिस करो खोल के देखो ठीक है आपको जो जम रहा है वो खरीदो है ना जरूरी थोड़ी है ना दुकान वाले का काम है आपको दिखाना तो क्या करो आप कौन थे ऋषिराज आप दुकान में जाओ रिलायबल टारगेट और डाइजेस्ट नवनीत डाइजेस्ट ये तीनों बुक को आप खुद रिफर करो पाँच दस मिनट बैठ के देखो दुकान में ही जो पसंद आएगी वो ले लेना ठीक है क्योंकि पढ़ना तो आपको ही है ना पता चला मैंने नवनीत बोल दिया और आपको टारगेट ज़्यादा पसंद आ गई पसंद आ रही है तो डिपेंड आप पे करता है पढ़ना आपको ही है ना ये चीज़ आप करो क्योंकि मैं भी कोई भी बुक पढ़ना मतलब मुझे कोई भी बुक खरीदनी होती है ना तो मैं खुद ही दुकान में जाती हूँ खुद अपने पहले बुक देखती हूँ क्या वो बुक मैं जैसा सोच रही हूँ उसमें जैसा मुझे कंटेंट चाहिए इजी लैंग्वेज है ना ज़्यादा कुछ टेक्निकल तो नहीं है तो वो सब चीज मैं देखती हूँ पसंद आती है तो खुद ही मैं खरीदती हूँ दूसरे का ओपिनियन करके मतलब नहीं है ना पढ़ना तो मुझे है तो मुझे पसंद आना चाहिए राइट तो ये चीज भी तुम लोग हमेशा करना बाकी सब्जेक्ट में भी यही चीज तुम लोग अप्लाई करना मैम इंग्लिश पेपर पैटर्न अपडेटेड ग्रुप पर भेजो अपडेटेड पेपर पैटर्न नहीं आया है अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए सुनो मेरी बात कौन हो आप लोग 21 एंड 22 बैच वाले हो ना तो अब तक बोर्ड कमेटी की तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ ही आई है और वो यही है कि आप लोगों के लिए 25 परसेंट सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है बस इतनी सी न्यूज़ आई है इसके अलावा और कुछ भी नहीं आया है जैसे ही कुछ आएगा जैसे ही दूसरी कुछ अपडेट आएगी मैं आपको पहुंचा दूंगी सिर्फ एक न्यूज़ आई है ट्वेंटी एंड ट्वेंटी बैच के लिए ठीक है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड टेंशन मत लो टेंशन क्यों ले रहे हो यस मैम प्लीज मैम पॉसिबिलिटी तो राइटिंग पेपर होने की है बिकॉज because... यही होता है मतलब हम कुछ सोचते हैं फिर उसका कुछ उल्टा हो गया तो क्या करेंगे? है <laughs> ना कुछ आ, आ, कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है हाँ पर चांसेस मुझे तो ये लग रहे हैं कि सीबीएसई ने टू टर्म कर दिया तो स्टेट बोर्ड भी तो कर ही देगा कर देना चाहिए क्वेश्चन बैंक अगर ना परचेस करे तो सिर्फ टेक्स्ट बुक से अच्छे से स्कोर कर सकते हैं मैम यस शिवंश अगर मैं अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की बात करूं तो यहाँ पे अगर कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो मैं इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक से ही पढ़ी थी ठीक है मुझे नाइन्टी टू मार्क्स मिले थे हंड्रेड में से उसमें से दो मार्क्स मेरा छूट गया था लिख नहीं पाई थी बाकी वरना नाइन्टी फोर मिलते थे तो नाइन्टी टू मुझे मिले थे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के ठीक है तो कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं ना तो हो जाती है बात लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं है ना इंग्लिश में हमको ग्रामर भी पढ़ना है राइटिंग स्किल भी पढ़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक के साथ ग्रामर और राइटिंग स्किल की बुक भी खरीदनी पड़ेगी तो डिपेंड करता है सब सब्जेक्ट की अलग रिक्वायरमेंट है राइट right? अब समझ रहे हो मेरी बात तो ऐसा है सब सब्जेक्ट की अलग रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन बैंक की जो तुम बात कर रहे हो क्वेश्चन बैंक ये वर्ड तुमने इस्तेमाल करे हो क्वेश्चन बैंक ठीक है तो ये कौन से क्वेश्चन बैंक की तुम बात कर रहे हो पिछले साल पिछले साल वाले बच्चे यानी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी एक साल बड़े जो बच्चे हैं ना तो वो लोग के लिए गवर्नमेंट ने क्वेश्चन बैंक रिलीज करी थी हर सब्जेक्ट के लिए वो लोग को बताई थी कि देखो आप लोगों का ऐसा ऐसा पैटर्न आएगा लेकिन कुछ काम का ही नहीं हुआ सब बच्चे लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो एंड टाइम पे एग्जाम कैंसिल हो गया तो आप वो क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हो या ऐसी जो नॉर्मली बाजार में मिल जाता है दुकानों में मिल जाता है कोई भी दूसरी पब्लिकेशंस निकालती है तो क्वेश्चन बैंक टेंशन मत लो अगर आप लोगों की बैच के लिए आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है ठीक है और आना भी चाहिए ठीक है क्वेश्चन बैंक जो है वो गवर्नमेंट हर साल अपडेटेड वर्जन निकालती है तो उसकी टेंशन मत लो मैम आपने कौन सी रेफरेंस बुक ली थी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए आप बात कर रहे हो मैम हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहा है शॉप में गया था क्वेश्चन बैंक आप लोग ये वर्ड क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे हो ना तो मेरा माइंड वो पिछले साल वाले बच्चों लोग पे जा रहा है क्योंकि पिछले साल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट यानी वही बोर्ड कमेटी ने क्वेश्चन बैंक रिलीज करी थी और सारे के सारे बच्चे वो क्वेश्चन बैंक पे टूट पड़े थे कि यही क्वेश्चन बैंक हम पढ़ेंगे इसी में से सब आने वाला है So, मेरा दिमाग उधर जा रहा है कि आप वो वाले क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हो या दुकान में मिल जाते हैं कोई पब्लिकेशन होती है नवनीत का क्वेश्चन बैंक आ गया शीतल का आ गया वो सब की बात कर रहे हो क्या वो सब की बात कर एक बार क्लियर कर दो फिर मैं अपना आंसर दू जरा स्पेसिफिक होके हाँ टेंशन खत्म हो जाएगा प्रज्वल सबका टेंशन खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर कल है छः से सात हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम है द कोप एंड द एंथम बहुत मजेदार चैप्टर है वो बहुत मजेदार चैप्टर है उसमें एक चोर होता है पढ़े कल पढ़ेगा अभी बता दूंगी तो फिर आप कल नहीं आओगे <laughs> कल का सेशन मिस मत करना कल हम आपका चैप्टर नंबर थ्री पढ़ने वाले हैं आई नो वन और टू नहीं पढ़े हैं उसको बाद में पढ़ेंगे ठीक है चैप्टर नंबर थ्री वाला कल पढ़ने वाले हैं ओके प्रज्वल छ से सात उसकी मैं आपको समरी देने वाली हूँ हम बहुत सारी चीजें उसके बारे में समझेंगे बहुत मजा आने वाला है मार्केट वाली क्वेश्चन बैंक अच्छा मार्केट वाला खरीदना है तो खरीद लो मतलब क्वेश्चन बैंक आप खरीद रहे हो यानी आपको प्रैक्टिस करनी है राइट कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़े क्वेश्चन बैंक हम क्यों लेते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो मुझे बता दो तो उसी का मतलब होता है ना क्वेश्चन बैंक लो क्वेश्चन का बैंक लगा हुआ है ये सारे टॉपिक में से ये सारे क्वेश्चन बन के निकले गए तो आप अगर क्वेश्चन बैंक खरीद रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए तो जितना जल्दी खरीद सकते हो खरीद लो ठीक है और जहाँ तक आप लोग अभी क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हो तो मुझे लग रहा है आप लोगों का पढ़ के हो चुका है पढ़ के हो चुका है तो बाप रे आप लोग बहुत ही फास्ट हो <laughs> फास्ट हो यानी बहुत ही डेडिकेटेड हो और आप लोगों ने अपने एम के लिए अभी से काम करना स्टार्ट कर दिए हो जो कि आपको पता है बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं और आप रेस से बहुत आगे हो और आगे जाओगे ठीक है तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग सुमित आप मार्केट वाला क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहते हो तो खरीद लो कौन रोक रहा है खरीद लो आपकी प्रैक्टिस होगी ना अभी आपके पास क्या है अभी सिर्फ टेक्स्ट बुक होगी या तो डाइजेस्ट होगी ठीक है मार्केट में कोई बुक मिल रही है क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड तो भी ले लो पढ़ने का मन है तो पढ़ो ना कौन रोक रहा है और क्वेश्चन बैंक जो आपका है जो 21 एंड 22 बैच के लिए जो आएगा जो बोर्ड कमेटी रिलीज करेगी वो इतना जल्दी नहीं करेगी हाँ इतना जल्दी बिल्कुल नहीं करेगी समझो अभी चार पाँच महीना तो वेट करना पड़ेगा ठीक है चार नहीं समझो तीन चार महीना तो वेट करना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम बोले तो ठीक है तीन चार मंथ तो रुकना पड़ेगा जो हमारा क्वेश्चन बैंक होता है वो लेट ही रिलीज होता है वरना क्या होगा अगर बोर्ड कमेटी ने अभी क्वेश्चन बैंक दे दी तो क्या होगा सब बच्चे वही क्वेश्चन बैंक पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो इसलिए ये चीज से बचने के लिए ना आपकी जो बोर्ड कमेटी होती है वो हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक रिलीज करती है वेबसाइट पे एंड में ठीक है एग्जाम नजदीक आने से पहले ऑनलाइन नहीं मिल रहा है और मार्केट में भी नहीं मिल रहा है अच्छा आप दूसरे सब्जेक्ट की बात हाँ अच्छा आप आर्ट्स के हो ना आर्ट्स वाले लोग को मतलब गरीब समझा जाता है जैसे मैं भी एक आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ कि आर्ट्स वाले लोग के लिए मटेरियल एक तो कम होते हैं ऑलरेडी मतलब बाहर जाओ तो बुक नहीं मिलती है पता है मुझे भी पता है मैंने भी ये चीज़ फेस करी हूँ इसलिए तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई ना कैसे कैसे क्या हुआ फिर मैं आई जंग लड़के आप लोगों को पढ़ाने के लिए आर्ट्स लोग को सो आई नो सुमित आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो मार्केट में बुक मिलना वो भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन बैंक आर्ट्स वाले लोग के लिए मुश्किल है थोड़ा सा वो ना हमको ढूंढना पड़ेगा या तो उसका आप टेंशन मत लो हम एक काम करेंगे हम क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं ना खुद ही ऑनलाइन पीडीएफ डी बना के प्रोवाइड कर देंगे हम क्यों टेंशन ले रहे हो साइंस कॉमर्स वाले लोग का देखो लोग एकदम सेट है साइंस कॉमर्स वाले लोग के लिए तो बारिश होती रहती है हर इसकी क्वेश्चन बैंक की बहुत अच्छा है लेकिन आर्ट्स वाले लोग कोई बात नहीं चलो ओके कुछ डाउट है क्या सब लोग डाउट क्लियर हो गए यानी आप समझ गए हमको पूरा साल भर सारी ग्रामर टॉपिक कवर करनी ग्रामर टॉपिक बहुत सारी है और राइटिंग स्किल बहुत सारा है नॉवल सेक्शन बहुत हार्ड है तो ये सारी चीज़ साल भर करनी है और ये दो चैप्टर ये दो पोएम हटा दिए इंग्लिश से रिलेटेड कुछ डाउट है तो पूछो और फिर हम कल मिलने वाले हैं मैं क्या बोली कल क्या करने वाले हैं हम आपका चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम है द कोप एंड द एंथम इसको हम समझेंगे कि ये पो, आ, पोयम ये चैप्टर ये चैप्टर क्या है ये चैप्टर की क्या समरी है इस ये चैप्टर हमको क्या मॉरल देता है क्या सिखाना चाहता है सब कुछ पढ़ेंगे ओके सो ओके ऋषिराज का कुछ डाउट आया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में हर चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज है उसमें के क्वेश्चन बोर्ड में पूछते क्वेश्चन से ओके okay, ऋषिराज आप पूछ रहे हो कि पीसी पीसीएमबी में जो हर चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज होती है उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या नहीं तो ये चीज़ मैंने पैटर्न पेपर वाले में बोली थी कोई भी आपका सब्जेक्ट हो आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो ना तो आपका क्या है बताऊं थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट आपको डायरेक्टली पीछे के क्वेश्चन से पूछ लिया जाएगा है ना जैसे पीछे से बना बनाया क्वेश्चन नहीं होता है फिल इन द ब्लैंक्स हो गया फाइंड द आउट मैं हो गया ट्रूफॉल्ट बना बनाया क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है ना हर चैप्टर के पीछे तो वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ थर्टी परसेंट ही आते हैं मतलब डायरेक्ट उठा के आपको दे दिया यानी कोई बच्चा है वो फर्स्ट चैप्टर की सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ के गया तो उसको सिर्फ उस एग्ज़ाम में ना थर्टी परसेंट क्वेश्चन ही ऐसे मिलेगा जो रेडीमेड पहले से बने हुए थे और बाकी जो सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन होते हैं बाकी जो सेवेंटी परसेंट एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन बने हुए होते हैं ना वो टेक्स्ट बुक के बीच बीच में से निकाल के बनाए हुए होते हैं टेक्स्ट बुक के बीच बीच में से तो वो क्वेश्चन न्यू होते हैं न्यू होते हैं यानी अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे हो तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसका आंसर दे सकते हो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है क्या कौन से एग्जाम में एच हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में सी कोई भी एग्जाम ले लो सब में ऐसे ही होता है मतलब अगर ऐसा होता कि पीछे के एक्सरसाइज ही अगर हमको एग्ज़ाम में आती तो फिर तो सब पहले से चीट बना के चले जाते हैं ना पता होता कि ये चैप्टर से तो ये एक्सरसाइज आएगी चलो चीट बना लो ऐसा नहीं होता है ना थर्टी होगा सिर्फ ऋषिराज ये तो 22 टू बैच का है हम तो हैं टू वाले है. <laughs> सेम है सेम है गवर्नमेंट बाबा गवर्नमेंट बोलियो गवर्नमेंट यानी बोर्ड कमेटी ने भी यही पीडीएफ को फिर से रिपब्लिश कर दी बोली कि ये पिछले साल का है इसी को रिफर करो ठीक है इतना बड़ा पीडीएफ है साढ़े तीन सौ का है उसको फिर से रिडिफाइन थोड़ी करेंगे सो so, रवि टेंशन मत लो बोर्ड आप 21 एंड 22 बैच के हो मैं यहाँ पे सामने बड़ा लिखी हूँ मुझे भी पता है कि आप 21 एंड 22 बैच के हो यही आपका क्या है रिड्यूस सिलेबस है यही आपको पढ़ना है ठीक है सेम है पिछले साल वाले लोग का जो रिड्यूस हुआ था सेम टू सेम आप लोगों का भी वही रिड्यूस है ओके यस ऑल सब्जेक्ट का ऑल ऑल हंड्रेड सब सेम टू सेम एकदम सेम टू सेम काश मैम आप हर सब्जेक्ट पढ़ाते क्योंकि आप टाइम पर भी लेक्चर लेते थैंक यू प्रणाली काश मैं पढ़ा पाती काश मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने का बहुत मन है देखते हैं इकोनॉमिक्स भी अगर मैं पढ़ा पाऊँ तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा मैम क्वेश्चन बैंक से आता है बोर्ड में जो कमिटी प्रोवाइड करती है हाँ मैं वही बोलती थी हुमैरा शेख कि हर साल जो बोर्ड कमेटी होती है वो एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले क्वेश्चन बैंक रिलीज करती है ठीक है क्वेश्चन बैंक पिछले साल भी हुआ था पिछले साल आपके सर्च करोगे ना तो वो क्वेश्चन बैंक भी आप आ, क्या कर सकते हो मतलब ऐसे रिफरेंस के लिए देख सकते हो कि पिछले साल वाले बच्चों के लिए क्या क्या क्वेश्चन बैंक बोर्ड कमेटी ने निकाली थी तो वो बस क्या होती है कि इस चैप्टर से रिलेटेड है ना बोर्ड मैं बता देती हूँ क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड वाले निकालते हैं वो मार्केट वाला भूल जाओ बोर्ड वाली बोर्ड कमेटी हमारी जो है महाराष्ट्र की वो क्वेश्चन बैंक निकालती है तो चैप्टर वाइज होता है तो चैप्टर नंबर वन होगा इस चैप्टर वन से रिलेटेड दुनिया भर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें होते हैं आंसर नहीं होगा सिर्फ क्वेश्चन होगा वो आ, आंसर हमको सॉल्व करना होता है बैठ के खुद ठीक है नाम है ना क्वेश्चन बैंक यानी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चैप्टर नंबर वन ठीक है आपका समझो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर वन का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड दुनिया भर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन बैंक में होता है फिर चैप्टर नंबर टू दुनिया भर के जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर नंबर टू से बन सकते हैं वो क्वेश्चन बना के डाल देते हैं ठीक है खीके? तो ये होता है क्वेश्चन बैंक इसको कौन लोग सॉल्व करते हैं जिन लोगों का पढ़ के हो चुका है राइट right? एटलीस्ट वो लोग का 50 टू 60 परसेंट पढ़ के हो चुका है वो लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वही तो लोग आंसर कर पाएंगे ना क्वेश्चन देखें अच्छा हाँ इसका आंसर ये है उसका आंसर वो है राइट right? तो ये जो चीज़ आप पूछे हो मेरा कि क्वेश्चन बैंक से बोर्ड में आता है क्या तो वो बहुत से सारे क्वेश्चन होते हैं तो हमको समझो क्वेश्चन बैंक जो है वो ऑलरेडी बहुत सारा होता है तो पूरा भी पढ़ लेंगे तो मतलब समझो आपने टेक्स्ट बुक ही पढ़ ली वो एक ही बात हो गई ठीक है तो आता है बोल सकते हैं अगर आप क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करते हो यानी आपने अपनी थरो प्रिपरेशन कर लिए हो मस्त प्रिपरेशन हो गई आपकी अगर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो तो मैम शायद ट्वेंटी का रिजल्ट जब तक नहीं लगता तब तक ट्वेंटी टू yes, ये एग्जैक्टली exactly, प्रणाली में भी ये चीज़ आपको बोलने वाली थी कि अभी तक सिर्फ एक चीज़ ही नोटिस निकाली गई है ट्वेंटी फाइव परसेंट सिलेबस आप लोगों को बता के खत्म कर दिया अभी चल रहा है सीई टी एग्जाम टेंथ स्टैंडर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है बेचारे लोग का एलेवंथ में लोग को एडमिशन लेने का है रिजल्ट आ गया टेंथ का टेंथ में नाइन्टी फाइव परसेंटेज कितने लोग के हाई है लेकिन उसके बेसिस पे उन लोग का एडमिशन ही नहीं होगा वो लोग को देना है सीई टी एग्जाम तो वो लोग के चीज़ों में सब लगे है ना तो आप लोग ने जो बोले प्रणाली एक्जैक्टली कि हमारा जो एक तो ट्वेल्थ का रिजल्ट आना बाकी है है ना ट्वेंटी और ट्वेंटी वन वाले जो बैच थे है ना इन लोग का भी एग्जाम एग्जाम कैंसिल हुआ और उन लोग का भी आ, क्या आने वाला है अभी रिजल्ट आने वाला है सब लोग फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए हैं तो वो चीज़ चल रही है तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा साइड में रखा है ठीक है थोड़ा सा साइड में रखा है ट्वेंटी टू बैच वाले आप लोगों को पिछले साल की पढ़ती हो पढ़े तो पिछले साल पिछले साल की पढ़े हाँ पढ़ो ना सेम है सिलेबस सेम है पिछले साल का पढ़ सकते हो पिछले साल की कोई भी बुक आप रिफर कर सकते हो पिछले साल ही न्यू सिलेबस आपका बना है ठीक है एक साल पहले दो साल पहले वाला मत एक साल पहले यानी सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन बैच वाली बुक ही आप रिफर कर सकते हो यानी आप इलेवेंथ में थे ठीक है आप जब इलेवेंथ में थे तो आपके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जो भी बच्चा था सिर्फ और सिर्फ आप उसकी बुक ले सकते हो ठीक है आप टेंथ स्टैंडर्ड में थे उस वक्त वो ट्वेल्थ में था उसकी बुक मत लेना दो साल पहले वाली बुक मत लेना क्योंकि आपका जो न्यू सिलेबस बना है वो पिछले साल ही बना है मतलब कितने बच्चे लोग सेकेंड हैंड बुक लेते हैं ठीक है थीके? मैं भी ऐसी थी मैं सेकेंड हैंड बुक से ही काम चलाती थी क्योंकि सेकेंड हैंड बुक में पता नहीं मज़ा आता है पढ़ने के लिए उसमें सब ऑलरेडी होते हैं ना टिक मार्किंग तो पिछले सेकेंड हैंड बुक जरा देख दाख के लेना बाबा पिछले साल की लेना उससे पहले वाली मत लेना वरना फंस जाओगे उस पिछले से पहले वाले का सिलेबस अलग था यस एजुकेशन डिपार्टमेंट थैंक यू आपने करेक्ट वर्ड बोले मैं आपसे तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोल रही थी मैम सी ई टी एंड नीट के लिए भी ट्वेंटी फाइव परसेंट नहीं <laughs> अच्छा अच्छा सॉरी 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 हाँ कम है कम है कम है कम है अगर आप सी ई टी एग्ज़ाम दे रहे हो ठीक है आप सी ई टी ट्वेल्थ का नहीं होने वाला वैसे टेंथ का होने वाले आप टेंथ के हो गया साइमा टेंथ के हो आपका ट्वेंटी फर्स्ट ऑगस्ट को होने वाला है सी ई टी एग्ज़ाम ठीक है आप क्या हो टेंथ स्टैंडर्ड में हो अभी अभी आपका रिजल्ट निकला है ना तो आपका ट्वेंटी फर्स्ट ऑगस्ट को क्या होने वाला है एक सीईटी नामक एक एग्जाम होने वाला है सुबह ग्यारह बजे से सॉरी ए एम से दोपहर पी एम एक बजे तक दो घंटे का ये एग्जाम होगा तो ये एग्जाम में आपको क्या होने वाला है आपके टेंथ के सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टेंथ का भी क्या हुआ है ट्वेंटी फाइव परसेंट सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना तो वो ट्वेंटी फाइव परसेंट सिलेबस इस एग्जाम में नहीं आएगा ठीक है क्योंकि टेंथ में आपने पढ़ा ही नहीं तो क्यों अगर आप ट्वेल्थ के हो ट्वेल्थ का सी ई टी एग्ज़ाम तो अलग होता है ना ये एम एच एम एच सी ई टी इसकी बात कर रहे हो आप साइमा एम एच सी ई टी ये ट्वेल्थ वालों के लिए है तो एम एच सी ई टी एग्जाम किन लोगों को होता है और किन लोगों को देना पड़ता है तो ये एग्ज़ाम होता है जो लोग प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया जैसे बी एड हो गया ठीक है और हमारा और कौन सा है इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया ठीक है तो ये सारे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं यानी ट्वेल्थ के बाद आप बी ए बी कॉम बी एस सी ये तीन चीज़ नहीं कर रहे हो राइट देखो ट्वेल्थ के बाद अगर आप साइंस के हो तो आप बी एस सी करते हो ना ग्रेजुएशन अगर आप कॉमर्स के हो तो आप बी कॉम करोगे राइट अगर आप आर्ट्स के हो तो आप बी ए करोगे राइट इतनी बात मालूम है ना तो एक बात याद रखो आप ट्वेल्थ पास हो चुके हो और आपको ऐसा करना है बी एस सी बी कॉम या बी ए तो इसके लिए कोई भी सी ई टी नहीं होगा अब तक की न्यूज़ के हिसाब से अब तक की न्यूज़ के हिसाब से आपको कोई भी सी ई टी नहीं देना है ट्वेल्थ वाले बच्चे डरो मत नहीं 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 ट्वेल्थ वाले लोग के लिए नहीं जो ये करने वाले हैं बी एस सी बी कॉम या बी एड अगर आप करना चाहते हो बी एड ठीक है ट्वेल्थ के बाद बी एड करना है ट्वेल्थ के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग करना है होम होटल मैनेजमेंट ये सारे कोर्स में जाना है तो आपके लिए एक सी ई टी एग्जाम है जो इस साल नहीं बहुत सदियों से ये एग्ज़ाम होते आ रहा है एम एच सी ई टी जहाँ पे इस एग्जाम के बेस पे आपका एडमिशन होता है ठीक है इस एग्जाम के बेस पे आपका एडमिशन होता है ना कि ट्वेल्थ के परसेंटेज के बेस पे ओके okay, डन और आप ट्वेल्थ के हो तो बीएससी में जाओगे बीकॉम में जाओगे या बीए में जाओगे तो आपका ट्वेल्थ के ट्वेल्थ का जो भी मार्क्स आएगा आपका उसके बेस पे होगा ठीक है डरो मत ये टेंथ वालों के लिए मैं बताइए टेंथ वालों के लिए सीईटी एग्जाम हो रहा है वो लोग साइंस लो ले कॉमर्स ले आर्ट्स ले लोग को सीई एग्जाम देना पड़ेगा एक मिनट और क्या किसी ने पूछा है नीट वालों के लिए यानी हमारे बैच में नीट का भी रिड्यूस नहीं नीट के लिए कुछ नहीं हुआ है सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है नीट में जे डबल ई में कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है हा? इसको बोर्ड एग्जाम अगर आप टेंथ के हो या ट्वेल्थ के हो बस और कहीं पे इसको कंपेयर मत करो ना नीट में कुछ रिड्यूस हुआ है और ना ही कहीं और डोंट वरी नीट के लिए तो पढ़ना पड़ेगा नहीं जोशुआ अगर आप बी ए बी कॉम या बी एस सी करते हो तो आपको सी ई टी एग्जाम नहीं देना है ट्वेल्थ के बाद बी ए इन पोलिटिकल साइंस होता है ऑफ़कोर्स होता है बी ए इन पोलिटिकल साइंस होता है आपके जो भी सब्जेक्ट है ट्वेल्थ में एक मिनट ये क्या हो रहा है <laughs> सेशन डाउट सेशन बन गया है एक मिनट टूवेल्थ ट्वेंटी फाइव परसेंट सिलेबस रिड्यूस हुआ इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं है ना आपको क्योंकि ये एकदम हम फ्यूचर में चले गए ट्वेल्थ के बाद ये सेशन आज का है ट्वेंटी फाइव परसेंट सिलेबस के ऊपर आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी ठीक है बता देती हूँ जो जो बच्चे का डाउट आया है ओके तो सुमित पूछ रहा है क्या हम पॉलिटिकल साइंस से बीए कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं साइकोलॉजी से करो फिलोसॉफी से इंग्लिश से भी होता है हिंदी मराठी दुनिया भर में जो भी सब्जेक्ट है उससे आप बी कर सकते हो ठीक है होता है पोलिटिकल साइंस से फार्मेसी करना हो तो मैम मतलब फार्मेसी करना है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा वो कॉलेज फिर आपको ढूंढनी पड़ेगी अच्छी अच्छी अब स्पेशली साइंस वाले बच्चे आप लोगों को प्रैक्टिकल करना होता है ना तो जितनी अच्छी कॉलेज आप चूज करोगे उतना अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एक्सपोजर मिलेगा वरना कोई छोटे मोटे कॉलेज में ले लोगे तो लोग तो सिर्फ पढ़ाते रहेंगे कुछ प्रैक्टिकल करा ही नहीं रहे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है कि दवा कैसे बनाते हैं फार्मेसी में ऐसे भी मेडिसिन से रिलेटेड है ना केमिकल मैम वॉट इज लॉजिक रीजनिंग एंड ऑल फॉर सी टी बी मै सफ नाम हाँ रीजनिंग रीजनिंग मतलब एक अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे बहुत ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जैसे फैमिली वाला क्वेश्चन होता है, है ना कि अगर डैडी इतने साल के है उनके इतने साल का बच्चा है तो बताओ उनके ग्रैंड पेरेंट्स की क्या एज है तो ये रीजनिंग होता है बहुत लॉजिक लॉजिक नाम में है देखो लॉजिक रीजनिंग यानी पूरा का पूरा दिमाग के बेस पे वो आंसर आप कहीं पे रट कर नहीं जा सकते क्वेश्चन पढ़ने का उसके बेस पे लॉजिकल आंसर बीएमएस सीईटी एग्जाम यस बीएमएस के लिए भी सीईटी एग्जाम होता है उसके लिए सबके लिए स्पेसिफिक बुक आती है ठीक है अगर आप बी एम देना चाहते हो तो उसकी कोई बुक आएगी उस उस लोग का अलग सिलेबस होगा स्पेसिफिक सिलेबस होता है बी के लिए कोई सी कर रहा है तो उसका एक अलग सिलेबस होगा स्पेसिफिक ठीक है तो ऐसा सब है ये सब देखो अब आप यहाँ पे इतने सारे अलग अलग वैरायटी के बच्चे हो तो सबका अलग अलग है जैसे कोई बुरे फार्मेसी में जाना है कोई बीएमएस बोल रहा है कोई बीए बोल रहा है सो कोई बीएड भी बोला है इधर पे सो so, उस हिसाब से आप लोग को थोड़ा अपना सर्च करना पड़ेगा मैं आपको गाइड कर रही हूं मैप दे रही हूं सिलेबस तो अलग ही होगा ना मतलब बीएमएस वाला और बीएड का सिलेबस सेम नहीं होगा नाम एग्जाम का सेम है नाम सीई है देखो सीईटी का फुल फॉर्म क्या है बताओ जरा मेरे को बट सीई कर रहे हैं हम जब से सीईटी का फुल फॉर्म कौन बताएगा सबसे पहले बताओ जरा देखते हैं जल्दी कोई गूगल नहीं करेगा बीए की डिग्री में कौन से सब्जेक्ट होते हैं ओके okay, रुक जाऊ बताती हूँ सीईटी का फुल फॉर्म कर लिए ना गूगल ठीक है आंसर नहीं आया तुम लोग का ठीक है तो ऋषिराज का सबसे पहले आंसर आया है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ठीक है तो देखो नाम ही है क्या ये क्या है एक एंट्रेंस टेस्ट है कॉमन एक मिनट मिटा देती हूँ पहले ये सब चीजें यस यस करेक्ट करेक्ट मैं क्या बोल रही हूं सीई आप थोड़ा मतलब कुछ बच्चे हैं यहाँ पे डाउट हो रहा है उन लोगों सीई टी एग्जाम ट्वेल्थ के बाद क्या क्यों अचानक ऐसे क्या हो गया तो देखो नाम क्या है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो ये जो आपका होता है ना ये सीई एग्जाम होता है वो सिर्फ एंट्री के लिए होता है राइट right? जैसे देखो ट्वेल्थ आपका एग्जाम तो ट्वेल्थ में आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी मार्क्स आए वो जिंदगी भर आपके काम आते हैं ना आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओ आपको बोलता है ट्वेल्थ में कितने आए थे आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करो आप कोई एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस नहीं सॉरी आप कोई भी ये कोर्स करते हो तो उसमें बोलता है कि आप ट्वेल्थ में इतना आया था आपका एटी फाइव था ना तो ट्वेल्थ का रिजल्ट एक ऐसा होता है जो आपको हर जगह लाइफ टाइम काम आते रहते हैं है ना लेकिन ये जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सी ही टी एस की सिर्फ वन टाइम वैल्यू होती है वन टाइम वैल्यू वो भी सिर्फ एंट्री करने के लिए किधर एंट्री करने के लिए कॉलेज में ठीक है कॉलेज में आपकी एक बार वो कॉलेज में एंट्री हो गई यानी आप ट्वेल्थ समझो फॉर एग्जाम्पल आप ट्वेल्थ आर्ट्स के थे ओके okay? आपको करना था बी एड बी एड यानी टीचर बनना था तो उसके लिए क्या एग्ज़ाम है सी ई टी इसका अलग सिलेबस होगा तो ये वो जो भी स्टूडेंट है ट्वेल्थ के बाद ये सीई टी -E एग्ज़ाम देगा बी एड की कैटेगरी में सीई टी -E एग्ज़ाम देगा बी एड की कैटेगरी में ठीक है और उसका आ जाएगा एलिजिबल मार्क्स जितना भी कट ऑफ गया उसमें उसके मार्क्स आ गए और उसके कॉलेज में एडमिशन हो गया इसके बेसिस पे ना कि ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस में क्या बोलिए सीई एग्जाम क्या होता है सिर्फ वन टाइम वैल्यू है एक बार सीई की वजह से उसकी ये कॉलेज में एडमिशन हो गई बस इसकी वैल्यू खत्म आपकी एंट्री हो गई ना एग्जाम में ये एग्जाम कॉमन था बस एंट्री आपकी हो गई टेस्ट हो गया चलो आपका किस college admission, इस कॉलेज में एडमिशन इस एग्जाम इस रिजल्ट की वैल्यू खत्म मतलब आप बाद में कोई जॉब के लिए अप्लाई बोल नहीं सकते कि मेरा सीई में इतना आया था नहीं ओके सो so, बी के लिए अलग सिलेबस है बी के लिए अलग सिलेबस है होटल मैनेजमेंट के लिए अलग सिलेबस है तो वो सब तो आपको अपना ही फाइंड करना पड़ेगा ओके हेलो सुशांत ट्वेल्थ रिजल्ट आने के बाद सीई जैसा कोई पेपर देना होगा वही चीज मैंने आपको समझाई ठीक है तस्लीम अगर आप बी ए या बी कर रहे हो तो नहीं देना है नहीं देना है अगर आप ट्वेल्थ के बाद बी करना चाहते हो इंटीरियर डिजाइनिंग होटल मैनेजमेंट और बी एम ऐसी बहुत सारी चीजें आप करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल सिंपल बी ए बी कॉम एंड बी तो आपको देना पड़ेगा और फिर से मैं बता देती हूँ कि ये जो है सीई टी एग्जाम ये इस साल नहीं निकला है सदियों से है ठीक है डन चलो आज का सेशन फिर हम समाप्त करते हैं एंड करते हैं आई होप आपको समझ गया होगा आज का मेरा पूरा सेशन सो so, एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ आपको पता है अन एकेडमी महाराष्ट्र बोर्ड के लिए लॉन्च हो चुका है तो प्लीज़ इसका बेनिफिट उठाओ यूट्यूब में हम टीचर्स आपके आपको पढ़ा रहे हैं उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन आप लोग एक बार प्ले स्टोर में जाइए वहां पर अनएकेडमी टाइप करिए आपके सामने आएगा एक ऐप ठीक है उसको डाउनलोड करिए और वहां पर जाके प्लीज देखिए कि आपके एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से कोर्स आ रहे हैं वो फ्री भी होते हैं वो स्पेशल क्लास भी होते हैं वो प्लस क्लास भी होते हैं जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाइए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे हमने कोई बड़ी स्कॉलरशिप लाए है ना कोई कंपटीशन करेगी अगर उसमें आप जीतते हो तो आपको ये चीज़ मिलेगी और आपको पता ही नहीं था मतलब वो चीज़ हमने आपके लिए लाए और आपको पता ही नहीं था ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज़ आप लोग क्या करो प्लीज़ ये सब चीज़ के बारे में जानते रहो ओके अनकेडमिक ऐप को भी डाउनलोड करो अपार्ट फ्रॉम सब्सक्राइबिंग दिस चैनल टू ओके okay, सो so, um, ये चार चार्ट एक बार देख लो चार्ट एक बार देख लो प्लीज ये वाला कोड याद रखना आपको कोई भी फ्री क्लासेस देखनी है ना कोई भी फ्री क्लासेस देखनी है तो आपको बोलेगा कोड डालो कोड के बिना आपको फ्री क्लासेस देखने नहीं मिलेगी तो ये कोड आप डालना ठीक है वहां पे हम पढ़ेंगे सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लो, लगा होगा अभी हम कल मिलने वाले हैं छः बजे ठीक है गया पेन गई हाँ कल मिलेंगे हम छः बजे छः से सात हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम है द कोप एंड द एंथ हम ओके डन चलो बाय कल मिलेगा ओके okay? जब तक इस चैनल को लाइक करो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो कुछ भी डाउट होते हैं तो बिंदास पूछने का ओके okay? बाय एवरी कल मिलते बाय बाय